दोस्तों आज आप देख रहे हैं नई अपडेटेड यामा एफजेड 250 BS6। इस बाइक में जो भी अपडेट हुए हैं जैसे कि प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेक्स, इनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में दोस्तों। और ये बाइक उपलब्ध है लखनऊ ऑटोमोटिव, निकट टेढ़ी पुलिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर यामा की किसी भी बाइक को खरीद सकते हैं और सर्विस भी करवा सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ यामा एफजेड 250 BS6 के बारे में दोस्तों। सबसे पहले आप इस बाइक को फ्रंट से देखेंगे, इसका आगे का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे इसमें नई हेडलाइट लगाई गई है जो कि एक प्रोजेक्टर वाली है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये DRL है, ये LED है दोस्तों। और इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल रोबोटिक लुक है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और जब मैं इसकी लाइट को ऑन करूँगा, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, तो ये जो डिज़ाइन बनाया है कंपनी ने, ये काफ़ी ख़तरनाक सी दिखती है और बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। स्टार्ट करके मैं आपको इसका साउंड भी सुनाऊंगा और ये इस प्रोजेक्टर हेडलैम्प को भी दिखाऊंगा दोस्तों। जैसा कि आपने MT15 में देखा था, तो इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा बना दिया गया है अब इस BS6 मॉडल में दोस्तों। बाकी इंडिकेटर की बात करूँ तो वही इंडिकेटर इसमें आपको मिल रहे हैं दोस्तों, फ्लेक्सीबल भी है इसमें, और ये ब्लू कलर की बाइक है। और अब मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा यामा एफजेड 250 BS6 को। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन इसका वैसे ही बनाया गया है जैसे पहले था दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें दो मॉडल आते हैं, ये है यामा एफजेड 250 दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो इसमें दो मॉडल आते हैं, ये है यामा दोस्तों इसमें दो मॉडल आते हैं या जो दोस्तों इसमें दो मॉडल आते हैं यामा एफजेड 250 है ये, और एक है यामा एफजेड एस 250। अगर आप एफजेड एस लेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर हैंड गार्ड भी लगे रहेंगे और यहाँ पर ये वाइजर का ग्लास भी लगा रहेगा, तो जिससे वो और ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी लगती है। बट ये जैसे कि आपने यामा एफजेड 150 में देखा था, वैसे ही इसमें भी आपको दो मॉडल मिलते हैं। और अब आप लोग साइड से देख कर बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी। यहाँ पर इस साइलेंसर कवर को चेंज कर दिया गया दोस्तों, और साइलेंसर भी इसका काफ़ी भारी और मस्कुलर पीछे से भी डिज़ाइन लगता है, क्योंकि आप पीछे से इसके टायर को देखेंगे, काफ़ी चौड़े टायर लगते हैं। बाकी इसकी बैकलाइट का डिज़ाइन वैसा ही है, स्प्लिट ग्रैब रेल दिए गए हैं, स्प्लिट सीट इसमें दी गई है, और इंडिकेटर तो वही लगाए गए दोस्तों। और अब मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखाना चाहूँगा इस बाइक को। और आप यहां पर देख सकते हैं एफजेड एस 250 BS6 को। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे तो इसमें आपको हेडलाइट की स्विच भी दी गई है ये, और ये हाई बीम की दी गई है यहां पर पास की, ये इंडिकेटर की, और ये हॉर्न की दी गई है। यहाँ पर आपको इंजन किल की स्विच दी गई है, और ये इसमें सेल्फ की स्विच दी गई है दोस्तों। ये मैं एक बार फिर, भाई सायरन बज रहा है। अब मैं आपको इसका मीटर फिर से ऑफ करके ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इंजन चेक की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, ABS की लाइट, हाई बीम इंडिकेटर, और यहाँ पर फ्यूल मीटर, RPM मीटर, और ये ओडो मीटर दिया गया है दोस्तों, ट्रिप ओडो, ये माइलेज भी आपको बताएगी ये बाइक। तो अब मैं आपको इस बाइक को एक बार स्टार्ट करके इसका साउंड सुना दूँ और इसकी लाइट को भी चेक करवा दूँ। राहुल एक बार स्टार्ट करो भाई, रुक जाओ आप। और आप लोग लाइट जलाओ इसकी, और आप लोग लाइट देख सकते हैं कितनी खतरनाक लग रही है बाइक, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये है इसमें जो अपडेट हुए हैं, थोड़ा बंद करो भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बाइक में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पहले से ही आ रहा है, आपको ड्यूल चैनल ABS अब इस बाइक में मिलने लगे हैं, बाकी नई हेडलाइट इसमें लगाई गई है, स्विच चेंज कर दी गई है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी जो डबल स्टैंड आता था वो हटा दिया गया है और वो ऑप्शनल रखा गया है, आप चाहें तो इसमें लगवा सकते हैं दोस्तों। बाकी आप यहाँ पर टायर देखेंगे तो 140/70/17 का आपको ट्यूबलेस टायर इसमें मिलता है दोस्तों। और उधर से मैं आपको इसको इसके इंजन को दिखाऊँ, यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा इंजन आपको लग रहा होगा। इस बाइक में 249 CC का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 20.8 HP की पावर मिलती है 8000 RPM पर, और 20.1 Nm की टॉर्क मिलती है 6000 RPM पर दोस्तों। इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ दोस्तों, डायमेंशन की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm
व्हील बेस है 1360 mm, इसकी सीट हाइट है 795 mm, इसका वजन है 153 किलोग्राम, पेट्रोल टैंक इसमें 14 लीटर का लगाया गया है दोस्तों। फ्रंट ब्रेक की बात करें तो इसमें आगे 282 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और पीछे अगर आप देखेंगे तो 220 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे इसमें ABS की प्लेट आपको मिलती है दोस्तों। टायर साइज मैंने आपको बता दिया 140 mm का पीछे आपको वाइड टायर मिलता है और अगर आप आगे देखेंगे तो 100 mm के इसमें आपको टायर मिलते हैं YMRF के दोस्तों। और दोस्तों प्राइस की बात करें यामा FZ250 BS6 की लखनऊ उत्तर प्रदेश में तो लगभग इसकी 152,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है और अगर आप FZS BS6 में लेते हैं तो लगभग 156,000 रुपये आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाएगी। और ऑन रोड प्राइस के लिए आप लखनऊ ऑटोमोटिव निकट टेढ़ी पुलिया लखनऊ उत्तर प्रदेश में आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर यामा की किसी भी बाइक के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। माइलेज की बात करें तो लगभग आपको 30-40 तक की माइलेज इस बाइक में आपको मिल जाएगी सही चलाने पर और परफॉर्मेंस बाइक है, पहले से ही आ रही है, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो अब आप लोग बताएं कि आपको ये बाइक नए मॉडल में कैसी लग रही है और ख़ास करके इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आप लोग इस बाइक के बारे में ज़रूर बताएं। यहाँ पर थोड़ा सा साउंड ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आपको ये बाइक और ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।